तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम करने लगे हैं कार कवर वॉश अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। डिटर्जेंट है वो अच्छे से इवनली इसमें मिक्स नहीं हो पा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना सेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम करने लगे हैं कार कवर वॉश अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। एक व्यूअर की चॉइस थी कि काइंडली आप हमें कार कवर को भी जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉश करने का बताएं कि हम इसमें कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कार कवर ही चाहिए। जब आपको कार कवर मिल जाए तो पहले तो आप उसकी कंडीशन देखें। मेरे पास जो कार कवर है वो ऑलरेडी क्लीन है, इतना ज्यादा गंदा नहीं है, इतना ज्यादा डस्ट में नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है और वो उसमें थोड़ा सा डस्ट है या उसमें किसी किस्म की कोई भी डस्ट या गंदगी लगी हुई है, तो आपने सबसे पहले उसको प्री वॉश करना है। प्री वॉश क्या होता है? वॉश करने से पहले का वॉश होता है। वैसे आजकल जो 15 kg की वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं हायर की, उसमें प्री वॉश का ऑप्शन होता है। इवन के LG की वॉशिंग मशीन में भी प्री वॉश का ऑप्शन होता है। आप वो पहले प्रेस करेंगे, इसे प्री वॉश करेंगे और प्री वॉश करने के बाद आप इसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉश के फंक्शन पे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में प्री वॉश का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि अलग से पाइप लेंगे, पाइप के जरिए जो है हम इसका डस्ट वगैरह हटाने की कोशिश करेंगे टब के अंदर। उसके बाद हम इसे अपने वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर वॉश करेंगे। तो चूंकि हमारा बिल्कुल साफ है, कोई डस्ट नहीं है, क्लीन है हमारा, तो हम डायरेक्टली जो है इसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर वॉश कर लेंगे। अच्छा, इसका जो मटेरियल है मैं आपको बता दूं, ये पैराशूट मटेरियल होता है। और इसमें पैराशूट मटेरियल यानी कि पानी इसके ऊपर से फिसल कर चला जाता है, इतना ज़्यादा जल्द होने की क्वालिटी नहीं होती इसके अंदर। और ये जस्ट गीला हो जाता है, इसीलिए होता है ताकि डस्ट भी इसके ऊपर ठहर ना सके, वो भी आसानी से फिसल कर नीचे की तरफ गिर जाए। तो ऑलरेडी ये इस तरह का पैराशूट मटेरियल मौजूद है, इस वजह से भी डस्ट इसके ऊपर से निकल जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है जो कि हम इसे वॉश करने लगे हैं। तो मैंने आपको फिर बताया कि अगर आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में प्री वॉश का ऑप्शन है, तो काइंडली आप पहले प्री वॉश का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उसे वॉश करेंगे। लेकिन मेरी वॉशिंग मशीन में प्री वॉश का ऑप्शन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर वॉश कर रही हूँ। और अगर आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर प्री वॉश का ऑप्शन नहीं है, तो आप काइंडली इसे अलग से टब के अंदर या नलकी के नीचे से अलग से पहले इसको डस्ट या बाल्टी के अंदर पूरा पानी भर लें और उसके अंदर डिप करके फिर निकाल लें 1 से 2 दफा, उसके बाद आप वॉशिंग मशीन के अंदर डालिएगा। इससे क्या होगा कि जितनी भी डस्ट होगी प्री वॉश में वो इसके अंदर से निकल जाएगी और फिर आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में बिल्कुल भी जो है खराबी वगैरह नहीं होगी। मिट्टी वगैरह जम जाती है, मशीन खराब हो जाती है, पानी ड्रेन नहीं हो रहा होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उससे पहले यही है कि आप इसे प्री वॉश करें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी आज की वीडियो। व्यूअर्स, इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलती है और दिल करता है वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो के लिए बनाने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स। हम कवर को लेंगे और इसके अंदर ड्रम के अंदर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हर दफ़ा कहती हूँ कि कोई भी चीज़, चादर वादर कुछ भी आप डाल रहे हैं, तो उसे हमेशा खोल कर डालिए। खोल कर डालने से फ़ायदा ये होगा कि वो अच्छे से वॉश होगा और इसके अलावा जो आपको रेंज और स्पिन में प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा, ये पूरा पैराशूट मटीरियल है और इसने पूरे उसको ड्रम को कवर कर लिया है, तो इसमें हमें जो है इसमें पानी का वाटर लेवल भी जो है वो मैक्सिमम रखना होगा। अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं अपना डिटर्जेंट। इट्स अप टू यू कि आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करना चाहते हैं या पाउडर डिटर्जेंट। आप जो डिटर्जेंट यूज़ करना चाहते हैं वो आप इजीली इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने मशीन रख किया स्विच ऑन, स्विच ऑन करने के बाद किया पावर बटन ऑन। अच्छा, पावर बटन ऑन करने के बाद अब हम पैराशूट मटेरियल को कार वॉश करेंगे। ये चूंकि कार वॉश है, ये कोई कपड़े वगैरह नहीं है जिसके हमने दाग धब्बे हटाने हैं या कुछ करना है, तो हम इसको सिंपली इको मोड में जो है हम इसको वॉश करेंगे। ये क्विक फंक्शन के बिल्कुल अकॉर्डिंगली है। अगर आपका क्विक फंक्शन आपके वॉशिंग मशीन में है तो आप क्विक फंक्शन पे इसे वॉश करें। इसमें क्या है, इसमें वाटर लेवल मिड है, जबकि हम वाटर लेवल इसका हाई कर देते हैं। और रिंस वन टाइम है और 5 मिनट जो है इसका वॉश है। इसमें वॉश, रिंस और स्पिन तीनों दिए हैं हमने। चूँकि इसका वाटर लेवल इंक्रीज़ किया तो 30 से 34 मिनट हो गया है, इट्स ओके। और हम इसे करने जा रहे हैं 1 टच सॉल्यूशन।
ये कोई कपड़े नहीं हैं जिसमें हमें वॉश टाइम रिपीट करना पड़े या हमें रिंस जो है 2 या 3 times करना पड़े या स्पिन हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़े। तो ये पैराशूट मटेरियल है और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपने बस एक दफ़ा सर्फ के पानी से इसको निकाला और इसको रिंस किया सर्फ के पानी को और जस्ट थोड़ा सा स्पिन किया और उसके बाद हैंग आउट कर ले और आपका कार वॉश ईजिली जो है वो वॉश हो जाएगा। तो यही था सारा उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है प्री वॉश। आजकल की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में प्री वॉश ऑप्शन आता है, आप उसे यूज करें, नहीं है तो आप बाल्टी में पानी भरकर उसके अंदर कर सकते हैं। तो भी बस ये आप देखें मशीन हमारी पानी ले रही है और इसमें पानी भरने वाला है। जब तक ड्रम जो है वो फुल नहीं होता फिर वॉश होगी, वॉश होने के बाद ये रिंस होगी और उसके बाद स्पिन होगा और फिर हम आपको मिलेंगे इस पूरे कम्प्लीट प्रोसेस के बाद। आप इसे बैठकर स्टे ट्यून ऑन वीडियो एंड तक आप देखें कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन ने वर्क किया है, कोई खराबी तो नहीं की है। क्योंकि कपड़ा जो है वो पैराशूट मटेरियल का है तो अब ये मशीन जो है वो चूंकि आसपास नहीं निकाल पा रही है इस कपड़े के पानी, तो जो डिटर्जेंट है वो अच्छे से इवनली इसमें मिक्स नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, बीच में पॉज करके मुझे कपड़े को अप एंड डाउन करके अच्छे से सर्फ जो है वो इसके अंदर हाथ से ही मुझे मिक्स करना पड़ा क्योंकि मशीन जो है वो सर्फ इवनली जो है वो अच्छे से इसके अंदर नहीं कर पा रही थी। अब ये मैंने कर लिया है, अब मैं मशीन को स्टार्ट करके देखती हूँ। अभी मैंने मशीन स्टार्ट की है, अब ये होगा कि अब अच्छे से जो है मशीन इसको वॉश कर देगी। ये चूँकि फर्स्ट टाइम मैं भी वॉश कर रही हूँ, वो सर्फ को डिटर्जेंट को बहुत अच्छे से पैराशूट मटेरियल इवनली नहीं कर सका था, लेकिन अब जो है वो बहुत अच्छे से कर रहा है क्योंकि मैंने अप एंड डाउन करके बहुत अच्छे से डिटर्जेंट मिक्स कर दिया है तो अब ईजिली जो है वो वॉश हो रहा है। तो आपको ये स्टेप करना पड़े मे बी। बस वॉशिंग मशीन हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर चुकी है। इसमें बीच में बस क्योंकि पैराशूट मटेरियल था हमें एक प्रॉब्लम आई थी कि सर्फ बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स नहीं हो रहा था, वो हमें हैंड से मिक्स करना पड़ा था और इसके अलावा जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इजीली मशीन ने पानी लिया, रिंस लिया और स्पिन कर दिया। अब वॉशिंग मशीन का स्विच ऑफ करने के बाद हम इसे कवर को निकालेंगे, कार कवर को, और उसे हैंग करेंगे। अच्छा ये देखें पैराशूट मटेरियल है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी इसके ऊपर मौजूद है, वो कंप्लीट नहीं निकला है जिस तरह से कपड़े ड्राई होते हैं क्योंकि ये पैराशूट मटेरियल है, पानी इसके ऊपर से स्लिप हो जाता है, पानी इसके ऊपर ठहरता नहीं है। तो अब हम इसे हैंग करने लगे हैं, तो चलिए आइए इसे हैंग करते हैं। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि ये चूँकि कार वॉश का कपड़ा आज हमने वॉश किया था
और इसमें जो कि ये पैराशूट मटेरियल है, पानी इसमें ना जज्ब होता है ना उसमें ठहरता है, स्लिप हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये वॉश में भी इसने हमें प्रॉब्लम किया, वॉश में इसने हमें प्रॉब्लम ऐसे किया कि वो उसमें सर्फ डिटर्जेंट जो है पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हो सका, हमें हाथ से करना पड़ा। और फिर रिंस और स्पिन तो हो गया, लेकिन स्पिन करने के बाद आप इसकी हालत देख सकते हैं, इसमें पानी चूँकि स्लिप हो जाता है तो वो जिस तरीके से स्पिन होते हैं कपड़े उस तरीके से स्पिन नहीं कर सकी वॉशिंग मशीन। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि ये पैराशूट मटेरियल है, इसके अंदर पानी ठहर जाता है, पानी इसके ऊपर से गुजर जाता है लेकिन इसके अंदर से निकलता नहीं है। तो जिस तरीके से चूँकि वॉशिंग मशीन के अंदर ये अप एंड डाउन हालत में था, तो जब मुड़ा हुआ था तो जिसके अंदर जो पानी था वो उसके अंदर से जज्ब नहीं हुआ, इसके अंदर ठहर गया, तो इतने अच्छे से मशीन इसको स्पिन भी नहीं कर पाई। तो मैं कहना ये चाहूँगी कि हमारा रिजल्ट एट द एंड ये निकलता है कि हर चीज़ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉश करने वाली नहीं होती, ख़ास तौर पर ये मटेरियल, ये पैराशूट मटेरियल है। और इस पैराशूट मटेरियल का हम कुछ भी जो है इसके अंदर वॉश नहीं कर सकते ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, जिसमें आपका एक आ जाता है अम्ब्रेलाज आ जाते हैं या आपके रेनकोट्स वगैरह आ जाते हैं, वो आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉश नहीं कर सकते। उनको वॉश करने का यही एक सेपरेट से अलग से तरीका है कि आप अलग से टप या बाल्टी लें, बकेट लें और उसके अंदर आप वॉश करें, इसलिए हो जाता है। नहीं तो इस तरह से तार पे हैंग आउट करके आप पाइप से इसे पानी देके बहुत अच्छे से आप इजीली इसको वॉश कर सकते हैं। अगर आप घर में नहीं कर सकते तो आप इसे लॉन्ड्री में सीधा दे सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो आप, मैं यही कहना चाहूँगी एट द एंड हमारा रिजल्ट यही है कि हर चीज़ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धोने वाली नहीं होती। काइंडली आपके घर में अगर एक चीज़ आ गई है तो आप ये ना समझें कि वो एक जादुई चीज़ आ गई है और मैजिकल चीज़ आ गई है, आप उसके अंदर हर चीज़ डाल के उसके अंदर वॉश कर लें। तो वॉश करने का मतलब यही था कि अगर मैं बैठ के बोलती भी तो सब कहते हैं कि नहीं डेमो करके दिखाएं, तो डेमो करके मैं आपको दिखा चुकी, रिजल्ट आपके सामने है। ये पैराशूट मटेरियल है, आप अलग से मुझे सर्व करके करना पड़ा और स्पिन भी नहीं हुआ है तो मुझे ये हैंग आउट करना पड़ा। अब ये हैंग आउट करके नॉर्मल तरीके से जो इसके अंदर से पानी वो निकलेगा तो वो इस तरीके से ड्राई होगा, ये हमारा और रिजल्ट आपके सामने है। हाँ, खराब बिल्कुल नहीं हुआ है, ये पैराशूट मटेरियल बहुत अच्छा मटेरियल था, खराब बिल्कुल नहीं हुआ। और इस वजह से भी मशीन चूंकि हमारी 12 kg की थी, छोटा ड्रम था, तो वो बहुत अच्छे से वो उसको रोल अप नहीं कर सका, राउंड अप नहीं कर सका। तो बेहतर यही होगा कि कार कवर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो बेहतर है कि आप इसे हैंग आउट करके वॉश करें या टब में अलग से करके करें। वीडियो देखने के बाद बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।